अरे इधर आएगा एक भाई, एक इधर, हाँ सन फील्डर है। ऋषभ पंत ये कह रहे इधर फील्डर आना चाहिए, बोलर को बता रहे हैं फील्डर, और बोलर ने लगा भी दिया। ये बांग्लादेश वालों का इतना दिमाग खराब है भाई, इतनी झंड है इन लोगों, इनको ये नहीं समझ में आता फील्डर कहां खड़ा करें। 2019 में शायद महेंद्र सिंह धोनी ने भी ऐसा ही किया था, इन कंगलुओं को बताया था ये सफेद कपड़ा यहां खड़े हो जाओ। हम लोग कमेंट्री बॉक्स में हंस भी रहते कि ऋषभ इज नॉन स्टॉप एट इट। ऋषभ पंत बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के कैप्टन शांतो से कहते हैं कि भाई यहां भी फील्डर आएगा, यहां भी एक फील्डर लगा और वहां पे जो है वो लोग फील्डर लगा भी देते हैं। क्या ऋषभ पंत बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बन गए? क्या ऋषभ पंत को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भैया बांग्लादेश की तरफ से जब फील्डिंग होगी तो कौन सा फील्डर कहां फील्डिंग करेगा ये आप लगाएं? वेल हो सकता है पहली नजर में आपको ये सब बात बकवास या मजाक लग रही हो, लेकिन गुरु हुआ ऐसा ही है यार। आप सोचो, आपने ये कहां देखा है कि एक बैटिंग टीम का बैट्समैन ऑपोजिट टीम की फील्डिंग सेट करा रहा है यार, ये आपने देखा है कहीं? खुद बताओ यार, इसके लिए ना आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का इंसान होना पड़ता है यार। कितना फनी सीन है, यकीन करो कि इस वीडियो को देख के हंस हंस के मैं पागल हो गया। बांग्लादेश जो है वो टेस्ट मैच के बीच में इंडिया से सीख रहा है कि फील्डर कहाँ लगाना है। यार बहुत नाइस बंदा है यार ऋषभ पंत, बहुत नाइस बंदा है। मेरा हंस हंस की हालत खराब हो गई, मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे, ऋषभ पंत वहां पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डर वगैरह इधर आ जा। के बाद ये भी नहीं कि मना कर दो कि नहीं नहीं भाई हम वहां हम दूसरी फील्डिंग ले रहे हैं, हम दूसरा फील्ड ले रहे हैं, उसके बाद एग्री भी कर, फिर उसके बाद वहीं खड़ा भी कर देते हैं। भाई सही कह रहा भाई पंत। पूरी पाकिस्तान और पूरी भारत में ऋषभ पंत की तारीफ ही हो रही है, एक ऐसे जेंटलमैन बैट्समैन जो किसी मुखालिफ टीम को भी यही कह सकते हैं कि ये फील्डर या ये बॉलर यहाँ पर लेके आना, उसकी मर्जी से शांतो ने उसी फील्डर को वहाँ पे लेके आया, यही होती है जेंटलमैन। बहुत से लोगों को ये पनी सीन लग रही है, मगर ऋषभ पंत के जैसा जेंटलमैन क्रिकेट हिस्ट्री में कोई भी नहीं है। तो आइए आप लोगों के साथ पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ भी वीडियो शेयर करते हैं। ऋषभ पंत बैटिंग करते हुए बांग्लादेश के कैप्टन शांतो से कहते हैं कि भाई यहाँ भी फील्डर आएगा, यहाँ भी एक फील्डर लगा और वहां पे जो है वो लोग फील्डर लगा भी देते हैं। यार कितना फनी सीन है, यकीन करो कि इस वीडियो को देख के हंस हंस के मैं पागल हो गया। बांग्लादेश जो है वो टेस्ट मैच के बीच में इंडिया से सीख रहा है कि फील्डर कहां लगाना है। यार बहुत नाइस बंदा है यार ऋषभ पंत, बहुत नाइस बंदा है। जब ही ऊपर वाले ने इसको दूसरी जिंदगी दी है, दूसरा चांस दिया है जीने का, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी जहां पे गाड़ी का जो है बिल्कुल वो क्या बोलते हैं कि कचुंबर बन गया, लेकिन वहां पर ऋषभ पंत को ऊपर वाले ने एक और चांस देते हुए एक और लाइफ दी ऋषभ पंत को कि भाई अभी तुझे और भी जीना है। लेकिन वो इसका दिल बड़ा साफ है, ये देखिए यार बिना मजाक के बिल्कुल सीरियस, इसको पता क्या था कि मेरा साउंड भी आएगा कैमरे में या मैं ये कैमरे के आगे करूँ, उसने कहा भाई यहाँ भी एक फिल्टर आएगा। बिना ये सोचे कि भाई अगर यहाँ फील्डर आ गया तो मैं तो कैच आउट हो जाऊंगा या फिर भाई मैं मार नहीं पाऊंगा। क्या जबरदस्त बंदा है, क्या नाइस बंदा है यार ऋषभ पंत। पहली दफा ऋषभ पंत का साउंड सुना है मैंने मैच खेलते हुए, जो है वो स्टंप माइक से उसका साउंड आया, बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आप यकीन करें या ना करें, इस वीडियो को मैंने डाउनलोड करके मोबाइल में रखा है, मैंने कम से कम इसको 20-25 फ्रेंड को सेंड किया जो क्रिकेट के फैंस हैं, और हम हंस हंस के पागल हो चुके हैं कि भाई देखो इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को सिखा रही है कि भाई तुझे कहाँ फील्डर लगाना है, और मजे की बात यह है कि वहाँ फील्डर आ भी जाता है। यार बहुत हंसा हूँ, बहुत हंसा हूँ यार। आप लोग कमेंट में बताना कि आपने ये वीडियो देखी थी, आप कितने हंसे हो। एनीवे भाई अब पूरा पाकिस्तान रो रहा है, वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को उनके घर में जो है वो ऐसी धुलाई की है कि वन साइडेड जो है वाइट वॉश कर दिया पाकिस्तान को,
और फिर बोल रहे थे कि ये इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे, जरा रुको। लेकिन इंडिया ने पहला टेस्ट मैच 280 रन से जीता है। ऋषभ पंत, शुभमन गिल, भाई आश्विन, आप इनको देखिए टेस्ट मैच में सेंचुरियां मार रहे हैं, एक नहीं तीन तीन सेंचुरी आ रही है। और भाई वो पाकिस्तान जो इंडिया को ट्रोल करता है उसको जाके देखिए भाई, ओडीआई में सेंचुरी नहीं मार सकते। और आश्विन की आप बॉलिंग देखिए, ये बोलते हैं ना 150 प्लस है हमारे पास, आश्विन की बॉलिंग देखिए 21 ओवर, कितने ओवर, 21 ओवर में भैया उसने सिर्फ 88 रन दिए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में ना ऋषभ पंत जैसा करैक्टर दूसरा कोई नहीं है, मतलब वो डिफरेंट ही ब्रीड का है। ये मुझे ना ऋषभ पंत को देखकर, विराट कोहली को देखकर, और कौन है, गौतम, नहीं गौतम और ईशांत शर्मा जरा और टाइप किया, विराट कोहली और ऋषभ, ए यार ये ब्रीड ही डिफरेंट है। अब ऋषभ पंत को देखो, अच्छा कॉन्फिडेंट, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आपको बड़ा डिफरेंट किस्म का नजर आता है। आप इन चारों को देखें, पंत, कोहली, गंभीर, ईशांत शर्मा, आप इन चारों को देखो, फॉर दैट मैटर वीरेंद्र सहवाग भी ऐड करो ना, ये पांच देख लो, चलो आपने इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा कितना डिफरेंट आपको नजर आता है इनके प्लेइंग डेज में। दो तो खेल रहे हैं ना, तीन तो अब नहीं खेलते, इनका कॉन्फिडेंस लेवल याद करें। अब आप ऋषभ पंत का देखें, वो भाई साहब फील्डिंग एडजस्ट करा रहा है बांग्लादेश वालों को, मेरा हंस हंस की हालत ख़राब होगी, मैंने कहा यार ये दिन भी देखने थे, ऋषभ पंत वहाँ पर बैटिंग एंड के ऊपर खड़ा होकर उसको फील्डर कह रहा है इधर आ जा, यहाँ खड़ा हो जा। अब उसकी मैं देख रहा था, मैंने कहा यार दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऋषभ उसी को कह रहा है कि इधर शॉट खेलूंगा तू इधर आ जा, या शांतू ने किसी फील्डर को कहीं खड़ा किया, उसको सही समझ नहीं आ रही थी मुझे मेरे कैप्टन ने बांग्लादेश के कहाँ खड़ा किया है, तो उसको फिर ऋषभ गाइड कर रहा होगा कि ओ भाई उसने कहा है इधर खड़ा हो इस जगह के ऊपर, लेग साइड के ऊपर, क्योंकि वो जो एक्शन रिप्लेस मैंने देखे थे उसमें वो फील्डर कभी इधर भाग रहा था बेचारा, कभी उधर भाग रहा था, तो इवेंचुअली फिर आकर वो गेम उधर ही रुकी कि यार इधर परली तरफ थोड़ा सा हो जा भाई, इधर करके आकर ना यहाँ पर खड़ा हो। वो ऋषभ पंत उसकी जनाब फील्डिंग सेट करा रहा है, अजीब ड्रामा चल रहा था यार, मैंने कहा यार इस बंदे का लेवल चेक करो। और ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में नाना करते ना 300 दो साल बाद गेम वापस आ रहा है, इसने लास्ट टेस्ट मैच को इतना टाइम फ्रेम पहले खेला था, उसके बाद इसकी टेस्ट क्रिकेट में रिटर्न बैक हो रही है, एक्सीडेंट हुआ, इसने इतना कुछ देखा, मौत के मुँह से वापस आया। क्या ऋषभ पंत बांग्लादेश क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच बन गए? क्या ऋषभ पंत को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भैया बांग्लादेश की तरफ से जब फील्डिंग होगी तो कौन सा फील्डर कहां फील्डिंग करेगा ये आप लगाएं? वेल, हो सकता है पहली नजर में आपको यह सब बात बकवास या मजाक लग रही हो, लेकिन गुरु हुआ ऐसा ही है। बांग्लादेश और इंडिया का मैच चल रहा था और कप्तान शांतो को ऋषभ पंत समझा रहे थे, ओए वहां फील्डिंग लगा वहां पे। भाई वन मोर फील्डर देयर, और शांतो भाई भी अच्छे खासे बच्चे की तरह उनकी बात मानकर वहां पर फिल्टर लगा देते। और इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट दी, कहा कि भैया बांग्लादेश के कप्तान के या तो असिस्टेंट बन गए हैं या बांग्लादेश क्रिकेट टीम के अतिरिक्त प्रभार लेते हुए ऋषभ पंत फील्डिंग कोच बन गए। लेकिन जो कुछ भी हो, ऋषभ पंत सुर्खियों में रहते हैं, ऋषभ पंत लगातार चर्चा में रहते हैं, इससे इस मैच में भी लगातार वो चर्चा में रहे, विकेट के पीछे भी, विकेट के आगे भी, बैटिंग करते वक्त भी, आउट होने के बाद भी ऋषभ पंत हमेशा खबरों में रहते हैं। पहले मैच में भी जब एक बॉल थ्रो उनको लगी और ऋषभ भाई भाग गए और आके बांग्लादेश वालों ने कहा तुम भाग काहे रहे थे, तो बोले तुम मारे काहे बे, तो अपने प्लेयर से बोलो मत मारे इधर, दोबारा लेंगे फिर ओवर थ्रो जाएगा फिर हम भागेंगे। इस बार दूसरा वाला कांड अलग हुआ, इस बार ऋषभ पंत सुर्खियों में आए क्योंकि बांग्लादेश के सामने पहले अपनी बैटिंग से सबको एंटरटेन किया जबरदस्त तरीके से, स्टम माइक पर जो उनकी आवाज़ें आती हैं वो अलग लेवल पे मशहूर होती हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहते हैं। लेकिन शायद ये क्रिकेट में पहला मौका था जब किसी प्लेयर ने खुद अपने खिलाफ सामने वाली टीम से कहा कि हमारे लिए फील्डिंग सेट कर दो। मतलब इससे पहले किससे सुने हमने, जैसे एक किस्सा मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग का, सहवाग ने सुनाया था कि वो इंजमाम के पास गए और इंजमाम भाई से कहा कि यार वो जो बाउंड्री लाइन है फील्डर खड़ा किया उसको थोड़ा आगे बुला लो ना, दानिश कनेरिया शायद बॉलिंग कर रहे थे, और कहा आगे बुला लो छक्का मारना है मुझे। इंजमाम भाई को लगा मजाक कर रहे होंगे, इंजमाम भाई से कहते हैं फिर थोड़ी वक्त बुला लो भाई,
इंजमाम भाई पूछे क्यों, बोले यार टुकुर टुकुर खेलने मजा नहीं आ रहा, दो मैं मारूंगा लग चला गया तो ठीक है तुम्हारी किस्मत आउट कर लेना। इंजमाम भाई ने बुलाया, दानिश भाई ने पूछा क्या हुआ, सहवाग ने छक्का मारा पार चला गया, इंजमाम भाई दानिश पूछ रहे थे क्या हुआ, इंजमाम का चुपचाप बॉलिंग कर कैप्टन में हूं। ये सहवाग किससे होते थे, लेकिन ये किससे होते थे छक्का मारने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बैट्समैन ने कहा कि मेरे सामने फील्डिंग लगाओ।